रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे देखिए कैसे ऋत्विक दंजानी करेंगे अंपायर को पटाने की कोशिश, राहुल रॉय रिवाइव करेंगे अपनी आशिकी और एजाज का कमेंट्री करना दिल्ली वालों को नहीं आएगा रास। चल बाहर चल गया, अपन दोनों बात करते हैं अकेले में। आ जाए, आ जा भाई। अगर वो वहाँ बैठा नहीं खेल रहा है, ये सब मिलके भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अपना तो लाइफ का एक ही उसूल है, मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। जयपुर राज जोशीले अपने दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल में लीड कर रही है और नंबर 2 पोजीशन पे है दिल्ली ड्रैगन्स। Gentlemen, welcome to India's first ever sports reality entertainment show. Rocklee presents BCL. सबका गॉसिप का टाइम हो गया है कि नहीं? So let's get some locker room gossip. पहले 6 ओवर तक अगर हमने 2 बैट्समैन टिके रहना मयंक और बैजात, then शबीर भाई has a license to kill. So he will go out for the kill. प्रेशर लड़कियों पर होना चाहिए कि लड़के का बैटिंग करें ना कि लड़के की पार्टी लड़की बॉलिंग करे। Stay there, play the overs. जरूरी नहीं हर बॉल पे छक्का मिलेगा भाई, लेकिन पेशेंस मत लूज करना कि एक ओवर में 3 ही रन गए तो हमने मारना शुरू करा। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल व्हिच इज कमिंग नाउ विद द गर्ल्स, दे कांट गेट हिट विकेट। गर्ल्स हिट विकेट आउट होती है तो हमारी टीम पे पेनल्टी पड़ रही है, और अगर दूसरी टीम आउट नहीं कर रही है, कैच छोड़ रही है, रन आउट छोड़ रही है, तो हमें 5 रन मिल रहे हैं। गणपति बप्पा जय कर शेरा बलिदा बोल साचे दरबार की जय। सो लेट्स कॉल देम। सबसे पहले पूना अनमोल रतन। मेरे को ना राहुल जी से एक बात कहनी है। पूछे पूछे। राहुल जी, आपकी फिल्म आई थी आशिकी, उस समय हर लड़की ये चाहती थी कि वो जैकेट के अंदर वाला जो एक मोमेंट है वो हर लड़के, अपने, नॉट हर लड़के बट अपने लड़के के साथ हम कर पाए जी। तो आज आप भी हैं जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं चाहूंगी कि वो सीन एक बार रिपीट किया जाए। कैन आई हैव अ जैकेट प्लीज। आलीन, मैं जरा एक सीरियस सवाल पूछूंगी, जो आपकी आज की ओपोनेंट टीम है दिल्ली ड्रैगन्स, सुयश, वो आपके अगेंस्ट आज खेलने वाले हैं। सो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आमने सामने आकर जब तीर धनुष तानेगी तो क्या मंजर होगा? देखिए, मेरा हमेशा से यही मानना है कि जब आप फील्ड पे आते हो तो ऐसा बॉलर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो 3 विकेट्स, और जब आप बैट्समैन के तौर पे आते हैं आपको सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, बॉल और बाउंड्री। थैंक यू वेरी मच। और अब इस टीम को मुंह तोड़ जवाब देने आ रहे हैं, अरे दिल्ली वाले, दिल्ली ड्रैगन। सामना आपके बड़े भाई से है जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली एक नहीं, मेरे दो दो भाई हैं वहाँ पे, एक साहिल आनंद, एक शालीन मल्होत्रा, जिनको मैंने 10 साल पहले कुछ भाई मान लिया था और आज BCL की वजह से आमने सामने खड़े हैं। Come on guys! दोनों ही टीम्स मेरे अगल और बगल में हैं और अब बारी है डेयर की। दोनों टीम्स में से मैं एक एक मेंबर को बुलाऊंगी जो ये डेयर का सामना करेंगे, और जो जीतेगा वो जीतेगा फॉग हियर टू डेयर। तो दिल्ली ड्रैगन्स में से मैं बुलाना चाहूंगी एंडी की पसंद ऋत्विक, बिकॉज उसने पिछला चैलेंज हमें जिताया था, तो आई होप कि वो इस बार भी मेरी लकी चांस साबित हो। माय टीम आई विल चूज वृंदा, वो पिछली बार बहुत एक्साइटेड थी पर हार गई। ऑलराइट, तो मैं बताती हूँ आज का हियर टू डेयर है पुश तो बहुत होंगे आज। आप दोनों को पुशअप्स करने हैं और यहाँ पर होगी थोड़ी सी स्वॉपिंग, क्योंकि ऋत्विक की पीठ पर बैठेंगी। मैं बहुत फेयर जज हूँ, आई हैव टू से कि ऋत्विक ने आधे किए थे एंड शालीन ने पूरे किए थे।
गया है टॉस कार्ड एंड ये है हमारा बॉलीवुड सिक्का जिससे टॉस होगा. एक तरफ है लोइन और दूसरी तरफ मोना डार्लिंग. लाइन PCL में होंगी 10 ओवर की बाजी और इस बाजी को खेलने के लिए टीम में 8 लड़के और 3 लड़कियां होनी जरूरी है. बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना है जरूरी और ऐसे ही बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है. ओवर 5 या ओवर 6 बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है. अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 रन्स. गणपति बाप्पा. देयर यू गो पुणे, अनमोल रत्न पूरे जोश में फील्ड पे आते हुए. So it's Pune Anmol Ratna versus Delhi Dragons this night. And I have with me in the commentary box, Aejas Khan. Give it up for Aejas, people! I think it's a good batting side. और हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट ये कि हमने किसी भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अभी तक बॉल नहीं कराई क्योंकि हमारी टीम में कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है नहीं और उनका आदेश है. तो आई थिंक कंसीडरिंग एवरीथिंग 120 से 150 के बीच में विल बी अ गुड टोटल फॉर मी. ओके, शालीन वर्सेस सुयश इट इज. राम के सामने लखन, क्या बात है. आदेश और सुयश आए ओपनिंग के लिए एंड पुणे के कैप्टन शालीन मल्होत्रा है आज के फर्स्ट बॉलर और ये क्या पहली बॉल ही स्टार्ट्स विद अ वाइड. शालीन का कहना था एट द स्टार्ट ऑफ द मैच कि मुझे सिर्फ 3 विकेट नजर आएंगी. शालीन भाई, 3 विकेट राइट पे नहीं है. और सुयश ने छक्के से खाता खोला है. क्या बात है, क्या बात है. लेकिन शालीन को देखकर लग रहा है कि इस छक्के ने उनके छक्के जुड़ा दिए मेरे भाई. राम और लक्ष्मण मैदान में आमने सामने. जब उसको पता चला शालीन जी के सुयश आ रहा है टू स्टार्ट तो वो आ गया टू बोल. वो चाहता था कि सुयश कम रन्स बनाए या सुयश मेरी पहली बॉल पे आउट हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं. सो सॉरी शालीन. लगता है सुयश के गेम से ना शालीन और उनकी पूरी टीम पहले ओवर में ही नाउम्मीद हो गई है. दिल्ली ड्रैगन्स अपनी पारी शुरू कर चुके हैं. एक ओवर पूरा होने पर 20 रन बन चुके हैं फॉर नो लॉस. मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल बोल रहा है सुयश आउट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है. एक बात है यहाँ पर एजाज, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुयश आउट हो जाएंगे तो मेरी और आपके यहाँ पर तकरार हो सकती है क्योंकि मैं पुणे को सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन दिल्ली में सुयश को सपोर्ट कर रही हूँ. देख लो आप. बच्चा है छोटा अपना, इसे कुछ भी नहीं है. पुणे के साथ हूँ, अब मेरी सारी बद्दुआएं दिल्ली डेविल के साथ है. और अब बॉलिंग पे आ चुके हैं रफी. बॉलिंग 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 बॉलिंग. भाई बहुत बुरा अपशगुन हो रहा है यहाँ पर. बद्दुआएं दे रहे हैं एजाज, यहाँ पे बैठे हुए बद्दुआएं. सुयश, सुयश, डोंट यू वांट टू लाइक गिव इट बैक टू हिम. बद्दुआएं दे रहे हैं वो यहाँ पर बैठ करके. बैट बोलेगा. अच्छा, जाज खान को कोई हक नहीं कि हमारी टीम के प्लेयर के बारे में कोई भी गलत बात या मनुष्यत फैलाए. कम ऑन दिल्ली, पकौड़े लगा देंगे इनके. दिल्ली वाले जूनियर आर्टिस्ट भी साथ लाए क्या? मैच के बीच में मत बोल, चुप बैठ, समझ गया? ए चुप बोला है, कौन बोला है? मैच के बीच में मत बोल, समझ गया? ए चुप ना, तू चुप ना बे, तू क्या एंपायर है क्या? बाहर निकल यहां से. एजाज की बातें सुयश और उनकी पूरी टीम को काफी इरिटेट कर रही हैं. लेकिन एजाज रुकने वालों में से कहां है लालेदी जान? अरे यार, तू क्या एम्पायर है क्या बे? चल बाहर चल के अपन दोनों बात करते हैं, अकेले में आ जाए. चल आजा. चल बाहर चल के अपन दोनों बात करते हैं, अकेले में आ जाए. चल
आजा आजा भाई चलना। इजाज के वन लाइनर से दिल्ली वाले हो गए हैं बहुत परेशान। और ये क्या, इजाज कमेंट्री बॉक्स से निकल कर लड़ने के लिए नीचे चले गए हैं। अरे कोई रोको, रोको इजाज को, रोको कोई। दिल्ली वाले भी अपनी पूरी टीम के साथ इजाज की बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निकल पड़े हैं भाई। यार यही तो चाहते हैं, मत करो ऐसे, कोई दिल्ली का पूरा मूड खराब हो जाएगा ऐसे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में चाहे गंभीर ना हो, लेकिन हमारे यहाँ BCL के स्क्वाड में माहौल गंभीर है। एजाज और दिल्ली के इस मारदार को खत्म करने के लिए BCL मैनेजमेंट कमेटी को बीच में आना पड़ रहा है। लेट्स होप सब जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए एंड मैच रिज्यूम करे। वो एक नंबर डेढ़ फुटिया को बोलो घर जाए। एक नंबर करता है, डेढ़ फुटिया इतना साला स्टेज में नीचे से निकल जाएगा अगर वो वहां बैठा है। मैं निकल रहा। ऋत्विक दिनजानी को सबने सिर्फ हंसते मुस्कुराते देखा है, लेकिन आज तो पारा उनका भी हाई हो गया। हमारी टीम में से किसी एक बंदे ने आवाज उठाई और उसने कहा कि जिस तरह भी हो आप जो भी बोलना है आपको प्लीज बॉल के बीच में ना बोले, उसके अलावा उसको बोलना है वो वहां पर बैठा है, जिससे जो करना है वो करे। बट द मोमेंट वो अपने उस सड़क छाप एटीट्यूड पे आ गया कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। विशाल कोटियान, ये क्या बोलूं अभी उसको मैं, बच्चे को सिक्स पैक बनाने से बोलना, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, इतना सा छोटा सा चक करके लगेगा ना पूरी हवा निकल जाएगी। खेल से ज्यादा लड़ाई हो रही है यहाँ पे, हमें ये लड़ाई मैदान में चाहिए यार, इसको कोई समझाए। प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ये मैच इजाज की टीम का हेविन है, बट फिर भी इजाज यहाँ पर मौजूद है और उनको कहीं से भी किसी भी तरीके की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे नाली साफ करके मिले, कीचड़ साफ करके मिले, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। ये सब मिलके भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अपना तो लाइफ का एक ही उसूल है, मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। यहाँ पे कूल डाउन हो गया है एंड वी कैन कंटिन्यू विद द मैच। आई होप मैच रिज्यूम हुआ है। आदेश एंड सुयेश बैक ऑन द पिच विद मकबूल एज अ बॉलर। बॉलर अपने पथ पे खड़े हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कैच क्या राम ने जानबूझकर अपने भाई लखन का कैच छोड़ दिया? कैच जो ड्रॉप हुआ वो बहुत इजी कैच था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये दोनों भाई हैं, पहले भी कह रहे थे मैं भाई हूँ, वो मेरा भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई। कहीं ये फिक्सिंग तो नहीं थी? नहीं फिक्सिंग नहीं थी, भाई भाई की दो चीजें कभी नहीं लेता है, ना गर्लफ्रेंड ना कैच। चेतन हंसराज ने अपनी जर्सी निकाल दी है, शायद उन्हें लग रहा है कि कैच जानबूझकर छोड़ा है। What a shot! It's six. One more six. थोड़ा गड़बड़ चल रहा है भैया, हमारे जो मेन बॉलर है वो मार खा रहे हैं, तो अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही है और हमारे बॉलर थोड़े पिट रहे हैं। तीसरा ओवर यहां पर पूरा हो चुका है, क्या धुआंधार गेम चल रहा है, 75 रन्स बन चुके हैं फॉर नो लॉस। आज तक तो सिर्फ नखरे फेंके थे, टैंट्रम्स फेंके थे, लेकिन अब बॉल फेंकने का समय आ चुका है। पहले चार ओवर्स में लड़की को एक ओवर करना जरूरी है, तो अगला ओवर एक लड़की करेगी और इस क्यूट सी लड़की का नाम है ऋषिका निहानी। It's a six. Outstanding shot. मैं क्या जी, जीतेगी आज दिल्ली की टीम पक्का। लगा दिया सुयेश ने एक और छक्का। दिल्ली की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन इस जोड़ी को हम काफी जल्दी तोड़ने वाले हैं। आई थिंक सो। लगता है राहुल रॉय ना ज्ञानी बाबा बन चुके हैं और वो हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं।
it is a six. भाई गंदी बॉल को तो पनिश करेंगे ही ना. यानी इसी छक्के के साथ फास्टेस्ट रन ऑफ BCL इट इज गाइस गेट अप फॉर दिल्ली. एंड सुयश इज प्लेइंग ऑन 47. इसी के साथ चौका. हेलो जी, मैं कह दिल्ली चक दो फटे ना दो गिल्ली सूरज अंदर शामिल दिल्ली. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ फर्स्ट मैच में वुमन ऑफ द मैच और ये मैच में ऐसा. आई थिंक शायद लोगों ने इतना हाइप कर दिया दिल्ली ड्रैगन्स, दिल्ली ड्रैगन्स, शायद इसीलिए प्रेशर बढ़ गया है. सारे विकेट अभी भी सलामत. चौथा ओवर पूरा हो चुका है. 108 रन दिल्ली ड्रैगन्स के. और अब पुणे की इज्जत बचाने आए हैं पुणे टीम के सुपर प्लेयर और टेलीविजन के सुपर स्टार शब्बीर आलूवालिया. लो जी, लोगों के बैट्समैन उनके बॉलर्स को धो रहे हैं. और पुणे ने फिर से एक और आसान कैच छोड़ दिया. और अब पुणे की इज्जत बचाने आए हैं पुणे टीम के सुपर प्लेयर और टेलीविजन के सुपरस्टार शब्बीर आलूवालिया. ओवर की फर्स्ट बॉल एंड इट्स अ सिक्स. लो जी, शब्बीर का मैजिक भी हुआ फेल्ड. पुणे टीम का ब्लड प्रेशर हो गया हाई. 26 ने की थी बहुत कोशिश लेकिन छक्का लगी गया. ये आज इन्होंने जो साजिश की है ना मुझे बिठा के ये बोल के कि भाई तू बैठा रहे तो हम कॉन्फिडेंटली खेलेंगे क्योंकि तू पीछे बैठा होगा. ये खुद खेल के ना सब आ जाएंगे. पांचवा ओवर यहां पर पूरा हो चुका है. धमाकेदार बैटिंग कर रहे दिल्ली ड्रैगन्स. 137 रन फॉर नो लॉस. पांच ओवर 137 और अब आ गया है चैलेंज ओवर. मकबूल 15 रन. चैलेंज हुआ 15 रन बॉलर नेमित मकबूल. 15 रन का चैलेंज दिया गया है बॉलर मकबूल को. चैलेंज पूरा हुआ तो दिल्ली को मिलेंगे 30 रन वरना 0 मिलेंगे. चैलेंज ओवर में डॉट बॉल. लगता है कि चैलेंज ओवर का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं. Oh my God, that was a huge risk. Dude. पहले दो बॉलों पे दोनों बॉलों पे उन्होंने बैट्समैन को बीट किया है और दोनों बॉलों पे बैट्समैन बचा है और पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में हमें एक विकेट जरूर मिलेगा. ओ भाई साहब, इतना लंबा छक्का. कमॉन, एक और छक्का भाई. और ये दिल्ली ने अपना सिग्नेचर हुक स्टेप दिखा ही दिया. चक दे दिल्ली. चैलेंज कंप्लीटेड. चैलेंज कंप्लीटेड. दिल्ली वालों 30 रन आ चुके हैं इस ओवर में. गेट अप एसएल. छठा ओवर यहां पर पूरा हो चुका है. 167 रन आ चुके हैं दिल्ली ड्रैगन्स के पास फॉर नो लॉस. धोबी कार्ड पे आपने देखा होगा व्हाइट लुंगी और व्हाइट बनियान पहन के जो धोबी होते हैं वो कपड़े को लेके जो धोते हैं ना वो हम लोगों के बैट्समैन उनके बॉलर्स को धो रहे हैं. मैं कह जी इसी बात पे बारी बरसी खटन गया सी खटके ले अंधा भूत. सुयश ने कहा सबकी मैं जानता हूं करतूत. और पुणे ने फिर से एक और आसान कैच छोड़ दिया है लेकिन ये क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट. और पुणे ने मारा मौके पे चौका कर दिया सुयश को रन आउट. भाई कहाँ टहलते रहते हो. ईश्वर तो सामने ही है. 20 पर ध्यान लगाओ मेरे भाई.
अपने हिसाब से बॉल पीछे वाली बाउंड्री पर टच हो गया था, थोड़ा सा टू रन, मैंने जरूरत नहीं समझी वहां से वापस आने की, अदरवाइज आई वुड हैव इजीली कम बैक। सातवां ओवर पूरा हुआ है लेकिन एक विकेट यहां पर चला गया रे, 179 रन्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। What a shot! It's six. And that's 200 for Delhi. स्कोरबोर्ड देखकर राहुल मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर है 207। वी कैन ऑल्सो चेज दीज रन्स, कोई बड़ी बात नहीं है। छक्का मारे या ना मारे दिल्ली वालों के मन पे है, रखते वो सबको अपने गन पे है। नाइन्थ ओवर यहां पर पूरा हो चुका है, 219 रन्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। चौधरी इज प्लेइंग ऑन 96। चौधरी अब 96 पे पहुंच चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर अनदर 4 रन्स फॉर आदेश, ही द 96 एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ आवर टीम। BCL रूल्स के मुताबिक लास्ट चार ओवर्स में भी लड़की को एक ओवर करना जरूरी है, तो नेक्स्ट ओवर लड़की का। पुणे टीम श्योर है कि आदेश आउट है, लेकिन लगता है अंपायर थोड़े अनश्योर है। लेट्स फाइंड आउट। रंजन आपको क्या लगता है कि नॉट आउट? आउट मेरे हिसाब से नॉट आउट है, क्योंकि वो बहुत हैवी है, जब उसने डाइव मारी ना तो वहां टप पड़ चुका था। डिसीजन अभी मिला नहीं है, देखते हैं कि पुणे के फेवर में होगा ये डिसीजन या दिल्ली के। नॉट आउट। लो जी, दिल्ली के हक में हुआ है फैसला। 96 पे चौधरी, गो फॉर इट। So second 100 of BCL, कल मारा था करण मेहरा ने एक शतक और अब आदेश चौधरी साहब की। मैं कह जी छा गए पाजी, पूछो को ताव दे रहे थे यहाँ पर, खास हमारी तरफ देख करके। चौधरी जी स्टाइल मारेंगे अब आप ऐसे। यहाँ पहले मैच से मैं यहाँ पर लड़कियों को सपोर्ट कर रही हूँ कि क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट बढ़े, यहाँ पर अच्छा खेलें। वी सी निवी, वी सी अदिति, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। सिक्स। चलो जी, ये हुई दिल्ली की इनिंग्स खत्म। मैं कह जी शर्त लगाओ, दिल्ली इज गोना विन। ड्रैगन्स जब आग उगलते हैं तो सबको जला के राख कर देते हैं। आदेश आप छा गई भी, छा गए आदेश। थैंक यू सो मच एंडी। पहले मुझे इसने शली ने चैलेंज दिया था कि आदेश को मैं देखता हूँ कैसे बैटिंग करता है, उसके लिए वीकनेस मैंने निकाल लिया, तो मेरा जवाब है ये है आदेश चौधरी एंड यू कैन नेवर बीट मी ब्रदर। दसवां ओवर पूरा होने पर 248 रन्स बनाए हैं दिल्ली ड्रैगन्स ने फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। हम सोच नहीं सकते थे कि 10 ओवर में इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। अब 249 रन्स का टारगेट दिया है पुणे अनमोल रत्न को। ये लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, तो हम लोग को बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट करना और इनके बॉलर्स की धज्जियां उड़ानी है। काफी प्रेशर के साथ ऑलरेडी फील्ड पर एंट्री मार रहे हैं। बीसीएल का अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक टारगेट लग रहा है 249। राइट अमोर टू यू, प्ले बॉल। करण वाही से हो रही है शुरुआत पहले ओवर की। छक्के से की है शुरुआत। इन दोनों से काफी सारी उम्मीदें हैं, बस आउट नहीं होनी चाहिए, बस आई एम जस्ट प्रेइंग। ओम साईं राम। ये गुस्से के कारण जो पहली बॉल पर छक्का लगाया है, क्या ये कंटिन्यू रह पाएगा या फिर इसी गुस्से के कारण प्रेशर में आ जाएंगे ये? वैसे अच्छे टच में है और दूसरी बात जो अपना कमेंटेटर बहुत उत्साह है और पहले तो मतलब वैसे ही वो बहुत एग्रेसिव इंसान है, उसको गुस्सा दे लोगे तो और मुझे लगता है कि दैट विल प्रॉब्ली वर्क फॉर अस।
आकर शालीन के चेहरे पर थोड़ा जोश आया। दोनों टीम्स आज सोच के आई थी कि धोने वाले एक दूसरे को पकड़ पकड़ के दे दनादन धोएंगे आज। फर्स्ट ओवर में 33 रन गए जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पुणे अनमोल रत्न पूरे जोश के साथ अपनी बैटिंग शुरू कर चुके हैं। पहला ओवर पूरा होने पर 33 रन फॉर नो लॉस। एंड बैटिंग पे आ चुके हैं हरमन बेवजह। और अब है एक्स इंडियन बॉलर सलिल अंकोला की बारी। कैमरा पॉइंट। फिलहाल क्रीज पर शब्बीर आलूवालिया। इसी बात पे अर्ज किया है कि दिल्ली की टीम किसी से फालतू एटीट्यूड नहीं लेती और सलिल भैया की बॉल किसी को दिखाई नहीं देती। अरे भाई लड़की की बॉल क्यों वेस्ट कर दी। एक और डॉट बॉल। क्या करण भाई का पैर बाउंड्री पे लगा था, क्या ये लगान वाला छक्का था। रिप्ले रिप्ले रिप्ले। और शब्बीर भी हुए आउट। दो विकेट जा चुके हैं ऑन द सेम ओवर। सलिल अंकोला ने लगता है आग के गोले फेंके, पूरे जलकर राख हो गई है। शब्बीर आउट होने से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हम उनसे आज 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई आज हमें नया पार जरूर कराएगा। पीसीएल रूल्स के हिसाब से अब समय आता है एक लड़की के बैटिंग करने आने का। इंडियन टीम के फॉर्मर प्लेयर सलिल अंकोला को कैसे फेस करेंगी मानसी। अरे छू भी लो, बैट को छू भी लो। कम ऑन मानसी, कम ऑन मानसी। इस जन्म में बॉल जो है वो बैट से टच नहीं हो पाएगी मानसी शर्मा से। हमारा प्रेशर अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उनके अच्छे बैट्समैन ऑलरेडी जा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हम अभी बिल्कुल भी डरने वाले हैं। दूसरा ओवर यहां पर पूरा होता है लेकिन दो विकेट भी चले जाते हैं। 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। भाई बैट बदलने से कुछ ना होगा, बैट्समैन को बदलो। पूरे में प्रेशर काफी बढ़ गया है और बेजाद के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। नॉट आउट। ओके ओके, एम्पायर ने नॉट आउट दिया है। सो गाइस, पुणे की तरफ सेल्फ इज द फास्टेस्ट 15 बीसीएल। Fastest 50, not bad, huh, Rahul? So I think our batsmen are doing very well. So we are going to go all out. We are going to hammer their bowling as much as we can. That's an out. Run out है या नहीं? Decision pending है. Umpires ने मांगा है third umpire का support. क्या खाकर आए थे भाई, आउट पे आउट, आउट पे आउट। टीम के लिए तो अच्छा हुआ कि यू नो मानसी आउट हुई है।
तीसरा ओवर पूरा हुआ है, 61 रन बनाए हैं पुणे अनमोल रत्न ने और 3 विकेट जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि चौथे ओवर में 4 विकेट चले जाएं। BCL रूल्स के हिसाब से पहले 4 ओवर्स में लड़की को 1 ओवर करना है जरूरी। अरे भाई, लड़की की बॉल क्यों वेस्ट कर दी? एक और डॉट बॉल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट अ शॉट, इट्स 6। एंड अलोंग विद दिस, बेजाद खान ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। कम ऑन, गिव इट अप फॉर बेजाद खान। बेजाद ने सुपर्ब खेला है, 50 टारगेट अचीव कर लिया है एंड आई थिंक बेजाद शायद 100 टच कर भी सकता है, टच वुड। चौथा ओवर यहां पर पूरा होता है, 83 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वेल फील्ड लगता, क्या बात है, जम्मू की लड़की दिल्ली के लिए खेल रही है। भगदड़ मच गई है पुणे वालों के बीच में। कहां चौके छक्के लगा के रन लिया करते थे, यहां पर भगदड़ मची हुई है रन्स की। चौका। Oof, it's a big six. पांचवा ओवर पूरा होने पर पुणे अनमोल रत्न ने बनाए हैं 95 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चैलेंज ओवर। सुयश अंकोला और आदेश बजे। आदेश बजे। 15-20 रन के लिए फायदा नहीं है। 15 नहीं तो 18 ले ले। 18 ले ले। 3 छक्के मतलब 18। भाई 20 ही लोग। 18। 18। 18। 18। 18 लोग। 18। यार आदेश के अंदर। आदेश 18। आदेश 18। चैलेंज ओवर। 18 रन टारगेट। चैलेंज ओवर। 18 रन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। चौधरी बोल करने वाले हैं, बना लिए तो 36 रन इनके स्कोर में आए। अबे यार, सामने वाले बैट्समैन से बॉल टकरा गई। ओहो, हवा में बॉल, इज गोना बी 6। छक्का और नो बॉल भी। चैलेंज ओवर में कमबैक हो रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। 7 रन मिलेंगे इस बॉल में पुणे को, 11 रन बनाने हैं सिर्फ। दैट्स वन बॉल सिक्स। अब बस 4 बॉल में 5 रन। Come on, Pune! Or a catch! No ball! But no ball de di umpire ne. Karara chakka! और चैलेंज अचीव। देखिए क्या है, मैच अपने हाथ में है अभी और मैं एंड मोमेंट तक लड़ते रहेंगे मेरे लड़के, बिकॉज दे बॉर्न टू बी विनर्स एंड वी आर बॉर्न टू विन। छठा ओवर इसी के साथ में समाप्त होता है, 131 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगले 4 ओवर में 118 रन चाहिए, थोड़ा मुश्किल है बट ऑन अ जेन्युइन नोट पुणे हैज बीन रियली सुपर। What a shot! It's 6. Come on, Pune! एक और छक्का। छक्के और चौके लग रहे हैं। जो हमें पूरा उम्मीद था हमारे बैट्समैन से, वो लोग वो खेल वो जलवा पिच पे कर रहे हैं। ये मैच हमारी है, ये गेम हमारी है, हमारे हाथों से लड़ सकते हो लेकिन छीन नहीं सकते हो।
The seventh over in progress, 145 for three. And he's bowled. एक और पुणे के बल्लेबाज की डगआउट में वापसी. What a ball, सुयश. कैसे घूम रही है ना ये बॉल, जैसे कंपनी बाग में आई हो. बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगा वाइड जा रही है एंड इन स्विंग हुई और बोल्ड हो गया पीछे से, सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. सुयश सोच रहे हैं विकेट विकेट और पुणे की टीम सोच रही है छक्का चौका. सलील अंकोला आए हैं बॉलिंग पे. अरे करण भाई क्या कर देता. करण भाई ने बहुत इजी रन आउट मिस कर दिया है. बाल बाल बचे बेजाद खान. राहत की सांस ली है बेजाद खान ने. चौका बचा लिया दिल्ली ने. शालीन बहुत टेंस नजर आ रहे हैं. सलील अंकोला लगता है एक और विकेट लेने वाले हैं अगली बॉल पर. कौन सल भैया. आठवें ओवर के बाद में स्कोर 155 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. As I said, कि पुणे कहीं का भी जोर लगा ले ये टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा. अरे सुयश की बॉल खेलना इतनी आसान नहीं है बेजाद खान. सुयश सोच रहे हैं विकेट विकेट और पुणे की टीम सोच रही है छक्का चौका. नो वेरी नाइस. पुणे ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे मेरे भाई, छक्के लगाने पड़ेंगे. What a ball, सुयश. BCL के फास्टेस्ट बॉलर है सुयश. वन बॉल या बेजाद ने खूब स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है. भले ही स्कोर नहीं कर पाए लेकिन सुयश को एक्नॉलेज किया. नाइन्थ ओवर यहां पर पूरा होता है. 163 रन्स बना चुके हैं पुणे अनमोल रत्न 4 विकेट के नुकसान पर. सिर्फ एक ओवर बाकी है. आखिर के 4 ओवर्स में से एक ओवर लड़की का ओवर होना जरूरी है. एकता करेंगी ये आखिरी ओवर. तुमसे ना पाएगा जितने भी घुमा लो बल्ले. लड़कों की बॉल पे तो लग रहा था छक्के पे छक्का, पर लड़की की एक बॉल ने कर दिया इनको बहुत चक्का. एक बॉल की कीमत तुम क्या जानो लड़कों. भूल गए थे कि आगे बढ़ के मारोगे तो लड़की की बॉल पे भी बोल्ड होना या आउट होना पॉसिबल है. और यही ऋतिक धनंजानी ने उनकी कैच पकड़ी और श्रवण घर वापस पहुंच गए. की जीत की खुशी में रिद्विक पप्पी दे रहे हैं अंपायर को.
एक तरह लिया एक और विकेट और बेजी भाई टाटा बाय बाय कोई ना बच्चे बेटर लक नेक्स्ट टाइम. This is the last ball of this inning of the match. Come on, miss call. Check the button. Mancha mat batao. That's a victory for Delhi Dragons. Well played by Pune Anmol Ratna. 203 run bana paaye ye 6 wicket ke nuksan par. Aur isi ke saath Delhi Dragons won by 45 runs. एकता बोल्ड सुपरबली प्रेशर ओवर दो विकेट ली उसने. आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ द गर्ल्स परफॉर्म.